बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। मैं आई थी मम्मी के पास क्योंकि मम्मी बाबा ने बुलवा लिया था और मेरी बेटी का बर्थडे है, तो यहाँ हम लोग आए थे सेलिब्रेट करने के लिए। मम्मी की स्पेशल बिरयानी रेसिपी भी शेयर करूँगी और मम्मी कुछ पेट्स रखे हुए हैं घर पर जो कि मेरे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। मम्मी का घर खुला खुला भी है तो इस वजह से वो बहुत रिलैक्स्ड और एंजॉय करते हैं माशाल्लाह। तो यहाँ बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हरी मिर्चियों के साथ गर्म मसाला मम्मी ने ऐड किया था और उसको साथ बारीक सा पीस लेंगे और सारी चीज़ें मम्मी अंदाजे से लेते हैं, कोई चीज़ माप तोल कर नहीं लेते। चिकन हम लोगों ने अच्छे से वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था। उसमें मैरिनेशन के लिए यहाँ गरम मसाला और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। हरी मिर्च मसाला, हल्दी पाउडर, नमक और आप चाहो इसमें तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं। नींबू फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने स्किप किया हुआ है क्योंकि भाई नींबू लाने गया था, नींबू घर पर था नहीं तो हम लोगों ने यहाँ नींबू रोक कर रखा था। अदरक लहसुन पेस्ट के साथ इसको अच्छे से मैरिनेट कर इसको एक दो घंटे के लिए छोड़ देंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिए। यहाँ प्याज ली थी, प्याज बारीक बारीक से हम लोगों ने फूड प्रोसेसर में ही काट ली, ब्राउन फ्राई कर लेंगे। और कुछ प्याज बचा ली थी, एक कटोरी, एक छोटी कटोरी जितनी कच्ची प्याज जो कि हम लोग अखनी में ऐड कर दिए थे। हरी मिर्च, मिर्च पुदीना रफली चॉप किया है और धोने इसको दो तीन पानी से धोकर रख लिया था। अदहन का पानी चढ़ा लिए थे जिसमें नमक, हरा मसाला और गरम मसाला ऐड किया था। गरम मसाले में दालचीनी, लौंग, इलायची, शाजीरा ऐड किया था और हरा मसाले के साथ इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और यहाँ भी साथ ही साथ वही गरम मसाला ऐड किया है अखनी में। और अभी तक नींबू आए नहीं थे तो फिर मम्मी ने खटास के लिए सत ऐड कर दिया था क्योंकि मैरिनेशन में फिर आगे की प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो भी डालेंगे वो अच्छे से मैरिनेट होगा, इस वजह से सत ऐड कर दिया था। यहाँ प्याज हो गई थी रेडी तलकर ब्राउन ब्राउन सी। अब इसको जल्दी से क्रिस्पी करने के लिए हम लोग इसको फ्रीज़र में रख देंगे प्लेट को ताकि ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाए। गरम तेल है, इसको चूल्हे से उतार कर हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे यानी अखनी ऐड करेंगे, चिकन की अखनी जो हम लोगों ने बनाई थी। दही ऐड कर लिया था, एक किलो चावल ले रहे हैं तो पौ किलो दही ऐड करना है आपको। यहाँ ये टिप मैंने मम्मी से ही ली थी इसलिए कह रही हूँ कि वो उन्होंने भी इस तरह से ही दही तो लिया था। अखनी बॉयल होने के लिए रख दिया था और अखनी माशाल्लाह से बॉयल्ड होने लगी। यहाँ भिगाए हुए सोख किए हुए बासमती राइस थे जो कि 80% कुक करने होंगे। नींबू आ गए थे, साइड में रखे हुए थे, अब नींबू काम आएंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। प्याज भी क्रिस्पी हो गई थी तो इसको थोड़ा सा हल्का सा हाथ से क्रश कर रहे हैं, थोड़ा चूरा कर डालने से इस तरह से लंबी लड़ियां नहीं आती एज इट इज़ अगर डाल दो तो। इस तरह से चूरा कर डालेंगे तो एक अच्छा सा मसाला बन जाएगा और टेस्ट भी आएगा और वो प्याज की लड़ियां आएंगी नहीं तो अच्छा लगेगा। कुछ प्याज हम लोगों ने बचा ली है टॉपिंग के लिए। यहाँ रायता, दही की चटनी के लिए भी खीरा और प्याज कट गए थे। अखनी बिल्कुल तैयार है, अब बस चावल की ही देरी। अगेन हरा मसाला, धनिया पुदीना फिर से मिक्स किया और एक मुख्तसर सी लेयर चावल की, उसके ऊपर अखनी
80% कुक किए हुए राइस। थोड़ा सा हरा मसाला टॉपिंग पे, तली हुई प्याज, कलर में कुछ दूध ऐड कर लिए थे उसको मिक्स कर ऐड कर देंगे। मज़ेदार सी बहुत डिलीशियस वाली बिरयानी तो बन गई, बस नींबू ही रखे हुए हैं खुशबू के लिए। ये एक जोक था, भाई सुनेगा तो गुस्सा ना हो जाए। और आखिर में घी का डोरा देकर हम लोग यहाँ दम पे लिए रख रहे हैं के पर वज़न के लिए, और एक भगोना जिसमें जिससे अच्छे से दम लगे। फाइनली बिरयानी बनकर तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ी सी लेट हो गई थी और हम लोगों ने, बस मुझे शूट ही करना था। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फाइनली केक भी आ गया था कट होने के लिए, वीडियो की एंड होने लगी है तो अब मैं हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें, उनमें अफजल वो शख्स है जो अपने साथी से ज़्यादा मोहब्बत करता हो। सुभान अल्लाह। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।